हेलो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि ओला कैब कैसे बुक करते हैं। अगर दोस्तों आप भी ओला कैब नहीं तो ऑटो नहीं तो बाइक बुक करना चाहते हैं और दोस्तों आपसे बुक नहीं हो रहा, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे किस तरह से हम ओला कैब बुक करते हैं और किस तरह से हम पेमेंट करते हैं और कैसे वो गाड़ी हमारे पास आती है, वो हम सारे डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहना। अगर दोस्तों हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ले चलते अपने फ़ोन के स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा। प्ले स्टोर पर जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन पर आपको सर्च कर देना होगा ओला। देखो मैंने कुछ इस तरह से सर्च किया हूँ। सर्च करने के बाद देखो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर, देखो ओला का, जो कि दोस्तों एक ऊपर आ रहा, ऊपर वाला को नहीं कुछ करना है, नीचे वाला को आपको यहां से इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे किस तरह से हम ओला कैब नहीं तो ओला बाइक नहीं तो ओला ऑटो को बुक कर देख सकते हो। दोस्तों आपके सामने ओला कैब का एप्लीकेशन वो इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद देख सकते हो नीचे के साइड दोस्तों यहाँ पर ओपन का एक ऑप्शन आ गया, यहाँ से आपको ओपन कर लेना होगा। ओपन करते ही देखो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाता है खुल करके। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको ध्यान से देखना होगा स्टेप बाय स्टेप, तभी आप समझ पाओगे। उसके बाद देख सकते हो नीचे दोस्तों यहां पे आ रहा कंटिन्यू विथ फोन नंबर के, तो आपको एक बार इस पर क्लिक करना होगा। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डालना होगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ से आप डाल सकते हो। और देखो मैं अपना फ़ोन नंबर यहां से डाल लिया हूं। डालने के बाद यहां से हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते ही देखो आपके सामने एक 4 डिजिट का एक ओटीपी आएगा, यहां पे आपको उस ओटीपी को फिल कर देना होगा, नहीं तो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। उसके नीचे देख सकते हो अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर अलाउ कर देना होगा। और एक बार सबसे देखो ऊपर वाले पर एक बार इस पर भी अलाउ कर देना, उसके बाद यहाँ से भी अलाउ कर देना। अलाउ करते देखो आपके सामने अगला पेज आ जाएगा खुल करके। उसके बाद दोस्तों यहां से देखो हमारा ओला कैब का एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद यहां से हम बताएंगे आपको ओला कैब नहीं तो ओला बाइक कुछ भी बुक कर सकते हो। यहां पे देख सकते हो एक ओला कार भी आ रहा, ओला इलेक्ट्रॉनिक बुक करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा सर्च डिस्टेंसेस का, आपको एक बार इस पर क्लिक कर देना होगा। देखो हम कुछ इस तरह से क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जहाँ पे दोस्तों आप अभी हो वहीं का ये लोकेशन ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, आने की फील कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे जो इंटर डिस्टेंस है आपको इस पर डालना होगा वो लोकेशन जहाँ आपको जाना है। जैसे कि मुझे जाना है पलवल, तो मैं यहाँ पर देखो मैं पलवल डाल देता हूँ। डालने के बाद आपको देखो इस तरह से सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ, देखो मतलब पलवल के साइड अभी कोई मतलब आउटसाइड में मतलब ओला नहीं है, तो यहाँ पे बोल रहा है चेंज लोकेशन करने के लिए। तो दोस्तों हम देखो दूसरा जगह का लोकेशन डाल लेंगे, जैसे कि मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे फरीदाबाद का लोकेशन। देखो यहाँ से मैंने डाला हूँ फरीदाबाद। उसके बाद देखो हमारा फरीदाबाद में ओला अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान से देखना होगा, यहीं से हम पेमेंट करते हैं। देखो यहाँ पे आपके सामने आ रहा बुक, अगर एनी को बुक करते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको इतना पेमेंट करना होगा 282 रुपये से लेकर के 226 रुपये। उसके बाद दोस्तों आपके सामने देखो आ जाता है मिनी, जो कि मिनी की अगर बात करते हैं दोस्तों मिनी अगर बुक करते हैं 282 रुपये ही लेंगे, इससे ज़्यादा आपसे नहीं लेंगे। अगर प्राइम सदन बुक करते हैं तो दोस्तों 336 रुपये लगेंगे। और थोड़ा सा अगर हम नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों यहां पे आ रहा हमारा ओला बाइक। अगर ओला बाइक को भी बुक करना चाहते हो तो यहाँ से आप ओला बाइक को भी बुक कर सकते हो। ये दोस्तों ओनली आपके पास ये 7 मिनट में पहुँच जाएगा। देखो यहाँ पर 7 मिनट दिखा रहा है। और दोस्तों इसका प्राइस की बात करें तो 153 रुपये लगेगा। अगर हम ओला ऑटो बुक करना चाहेंगे तो दोस्तों यहां से भी देख सकते हो ओला ऑटो आ रहा है, यहां से आप ओला ऑटो भी बुक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों बुक कैसे करेंगे आइए हम जान लेते हैं। सबसे पहले नीचे देखो एक आ रहा बुक एनी का ऑप्शन, देखो आपके सामने यहां पे देखो आ रहा है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखो आपका लोकेशन पर आपके गाड़ी अभी आ रहे। उसके बाद यहाँ पे देखो एक बार होता है कन्फर्म पिकअप का, इस पर एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो भी होता है नोटिफिकेशन वो ओला ड्राइवर के पास जा रहा है, और उसके बाद वो एक्सेप्ट करते ही आपके पास ओला आ जाएंगे। देखो ये भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओनली दोस्तों
30 देखो उठा लिया है हमारा। उसके बाद दोस्तों ओके करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमारा ये ओला का जो भी हमारे पास ओला आ रहा है उनका एक गाड़ी नंबर है। यहाँ से दोस्तों आप उनके पास कॉल कर सकते हो, यहाँ से दोस्तों मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों नीचे के बात करते हैं दोस्तों, देखो हमारे यहाँ इतना पेमेंट लगेगा, और कैश ले देना चाहते हो कैश भी दे सकते हो। लेकिन दोस्तों हमें नहीं जाना है, इसलिए दोस्तों मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ। देखो मैं कैंसिल वाले पर क्लिक करेंगे, इनमें से कोई सा सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से कैंसिल राइट पर क्लिक कर देंगे। ये दोस्तों हमारा कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद दोस्तों अब हमारे पास नहीं आए, क्योंकि दोस्तों मुझे जाना नहीं था। इस तरह से दोस्तों अगर कैंसिल नहीं करोगे तो आपका ओला कैब बुक हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से बुक कर सकते हो।